हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सुभाष। चलिए देखते हैं कल मार्केट काउंट डाउन कर सकता है, कौन सा स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल मंथली एक्सपायरी होने वाला है तो हम लोग देखेंगे किस तरह मार्केट मूव कर सकता है। कल हम लोग डिस्कशन किया था 38,300 से लेकर यहाँ पे एक रेंज मार्केट के अंदर है। कल अगर मार्केट क्रॉस करता है तो हम लोग इसको परचेस कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसी रेंज के अंदर ये बना रहे, सो दैट आने वाले टाइम में अगर ये क्रॉस करता है थर्सडे के टाइम तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। लेकिन मॉर्निंग में एक मोमेंटम रहा, एक बड़ा मोमेंटम नहीं मिला और उसी रेंज के अंदर ये फंसा रहा। लेकिन अगर लास्ट 1 आवर का मोमेंटम देखेंगे, इट्स ए कंप्लीटली सेलिंग, लेकिन क्लोजिंग दिया है 38,000 के ऊपर क्लोज दिया है, लेकिन ऑलमोस्ट मार्केट 38,200 से लेकर विद इन हाफ एन आवर के अंदर 200 से 250 पॉइंट के अंदर ये गिर गया। अभी अगर हम लोग देखेंगे नीचे की तरफ, नो डाउट आपको मल्टीपल सपोर्ट दिख रहे होंगे। दीज आर 34,800, ये क्लोजिंग प्राइस हो गया 34,900, इनफैक्ट 38,000, ये सारे सपोर्ट है। तो इसके लिए क्या कर रहा है मार्केट, जब भी नीचे की तरफ आ रहा है इमीडिएट बाउंस बैक हो रहा है। नीचे की तरफ आया, बाउंस बैक हुआ, मार्केट यहां पे पहुंचा जरूर था लेकिन क्लोजिंग 38,040 के आसपास दिया। तो जब भी ये लेवल सेट कर रहे हैं मार्केट ऊपर की तरफ ये रिवर्स हो रहा है, लेकिन हायर लेवल पे भी ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो अभी 38,300 नो डाउट एक क्रूशियल लेवल होने वाला है, लेकिन इंट्राडे के लिए कल अगर हम लोग देखेंगे, कल अगर ये 34,930 अगर ये लेवल नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग 70 रुपीज का स्टॉप लॉस डाल के हम लोग इसको सेल करेंगे। टिल 34,700 तक हम लोग का प्लान होना चाहिए या 800 तक हम लोग का प्लान होना चाहिए, एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन 34,930 स्पॉट में ये नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। अगर मार्केट कल 35,100 के ऊपर सस्टेन करता है, पहले ही कैंडल अगर इमेजिन 38,100 के ऊपर निकल जाता है या फिर सस्टेन करता है तो हम लोग 38,200 का ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे। 12:30 का अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तभी भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, या फिर 11 या 10:30 ऑनवर्ड्स अगर ये ब्रेकआउट देता है। क्योंकि क्या होता है, जनरली अगर पहला कैंडल यहाँ पे 38,100 के ऊपर क्लोज दे दिया, फिर आने वाले टाइम में यहाँ पे थोड़ा वेट करने का 38,200, क्योंकि इसी लेवल से मार्केट गिरा है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक हम लोग बाई नहीं करेंगे, तो 38,200 के ऊपर हम लोग का बाइंग प्लान होना चाहिए इंट्राडे के लिए, एंड 34,930 के नीचे हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और मार्केट समय अराउंड 35,045 में क्लोज दिया है। मैं आपको क्यों ट्रेंड बता रहा हूँ कि हाँ मार्केट थोड़ा सा 250-200 पॉइंट हम लोग को मिल सकता है अगर ये क्रॉस करता है, क्योंकि 2 दिन नो डाउट यहाँ पे एक रेंज में था, रेंज में था, ब्रेकआउट दिया, मोमेंटम हुआ। हो सकता है ये खुलने के बाद फॉलो थ्रू मिल जाए, इधर अपसाइड या डाउनसाइड हम लोगों को एक फॉलो थ्रू मिल जाए तो हम लोग को एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन बहुत बड़ा टारगेट हम लोग प्लान नहीं करेंगे 34,700, जैसे कि हम लोग 70 रुपीज का अगर SL डाले हैं तो ऑलमोस्ट 150 से लेकर 200 रुपीज का हम लोग का टारगेट होना चाहिए। मार्केट थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग सिनेरियो में है, क्योंकि मैं चाह रहा था इसी स्पॉट पे अगर क्लोज दिया होता तो हम लोग थोड़ा सा बाइंग के साइड एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन क्लोजिंग थोड़ा सा डाइसी दिया है। तो मेक श्योर कीजिए ना कल थोड़ा क्वांटिटी कम रखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि ये क्लोजिंग थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये सारे बाउंस आएंगे, मार्केट नीचे आएगा, फिर पुल होगा, यहाँ पे होल्ड करेगा। मैं सोच रहा 38,300 के आसपास अगर कहीं क्लोज देता है फिर ये लेवल मल्टीपल टाइम 2 या 3 बार टेस्ट कर चुका है, फिर एक अच्छा ब्रेकआउट, एक अच्छा मोमेंटम 35,500 तक हो सकता है। लेकिन क्लोजिंग के बाद ऑलवेज फॉलो द प्राइस, अगर प्राइस बोल रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनेरियो में, तो क्वांटिटी थोड़ा कम कर लीजिए एंड वेट कीजिए, कम स्टॉप लॉस का ट्रेड कीजिए। जब हम लोग को ट्रेंड क्लियर दिखेगा फिर हम लोग एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी के पास एक छोटा सा स्पेस है, यहाँ पे एक गैप स्पेस है और ऊपर की तरफ एक मोमेंटम है, तो निफ्टी कल भी प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं कि ट्रेड कर सकते हैं। तो 17,170 के नीचे अगर ये क्रॉस करता है 30 रुपए का हम लोग का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और नीचे की तरफ हम लोग का टारगेट 17,120 से लेकर 100 के आसपास हम लोग का टारगेट होना चाहिए, यहां तक हम लोग सेल कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर गैप अप खुलने के बाद, जिस तरीके से बैंक निफ्टी अगर दोनों गैप अप खुलने के बाद 17,245 अगर ये क्रॉस करते हैं तब जाके हम लोग इसको परचेस कर सकते हैं। 17,245 के ऊपर हम लोग का स्टॉप लॉस सेम 30 से 40 रुपए का होना चाहिए, टारगेट हम लोग का 50-80 रुपीज के आसपास होगा, या फिर स्टॉप लॉस थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये क्रॉस करता है तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। बैंक निफ्टी भी वेट कर रहा है, निफ्टी भी वेट कर रहा है, तो निफ्टी में थोड़ा सा स्पेस है नीचे की साइड, अपसाइड ये ऑलरेडी मूव कर रहा है। अगर कल बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है बेटर है प्रीफर करना, निफ्टी थोड़ा प्रीफर करना, क्योंकि निफ्टी 17,120 ये गैप फिल करने इजीली आ सकता है। बैंक निफ्टी 34,800-700 थोड़ा सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो जो थोड़ा स्लो मूव कर रहा होगा, अगर लेट्स से बैंक निफ्टी जल्दी से आ गया और निफ्टी नहीं आ रहा होगा,
तो निफ्टी चेक कर सकते हो। तो कल थोड़ा सा कन्फ्यूजन सिनारियो है, बेटर है आप लोगों को क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना, सो दैट कि हम लोग नेक्स्ट टाइम जब आएगा तब हम लोग इजीली ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, और एक सजेशन है, जितने लोग इलन मार्केट के ऊपर मेरे वीडियो नहीं देखे होंगे ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, बिगनर्स लोगों के लिए है, मैंने आप लोगों को वहां पे सजेस्ट किया था कि नहीं, हाँ एक एक लॉट आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, 30 से 40 रुपए का एसएल रहेगा। लेट्स से इमेजिन अगर 100 रुपीज भी चला जाता है आपका तो भी 2,500 या 3,000 आपका लॉस होगा, तो उतना लॉसेस के लिए आप प्लान कर सकते हो। और सेम रिस्क टू रिवॉर्ड भी मैं मेंटेन करके रखा हूं, अगर आपको प्रॉफिट भी होगा उतना हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा लॉट प्रैक्टिस मत करना। लेकिन हाँ, वीडियो को इन डिटेल्स में देखो, स्टॉप लॉस एंड ऑल टारगेट ये सारे मैंने वहां पे बताया है, उसका एक काम करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, या फिर मैं टेलीग्राम में, अगर जितने लोग ज्वाइन नहीं है वहां पे वो लिंक ऑलरेडी मैं पेस्ट कर चुका हूं, आप जाके देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, तो आपको एक आइडिया होगा किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो ट्रेड एक्सपायरी डे के ऊपर। तो कल एक अच्छा टाइमिंग होगा आप लोगों के लिए कम क्वांटिटी में प्रैक्टिस करना। तो चलिए अभी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं, पहला स्टॉक है बीपीसीएल। यहां पे अगर देखेंगे एक अच्छे लेवल पे ये अपने आप को होल्ड कर रहा है, और यहां से अगर ब्रेकआउट देता है तो 390 के आसपास भी ये निकल सकता है, तो 382 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल। तो यहां पे स्टॉप लॉस हम लोग का 2 से 3 रुपए का होना चाहिए, टारगेट 1:2 का हम लोग का मिनिमम यहाँ पे प्लान होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक प्राइस एक्शन बना है, इनसाइड कैंडल भी बना है, तो कल अगर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर आ सकता है, तो 727 के ऊपर हम लोग इसको परचेस कर सकते हैं, 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसी पोटेंशियल। अगर देखेंगे लास्ट कंटिन्यूसली जो लो लगाए थे उसके नीचे ये क्लोज देना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, तो ये फिर से रिटेस्ट कर सकता है, एटलीस्ट 555-545 तक ये आ सकता है, तो 554 ये क्रॉस करते ही साथ हम लोग प्लान करेंगे, 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है अदानी पोर्ट्स। थोड़ा सा ये ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, तो क्वांटिटी इसमें भी कम रखना चाहिए आप लोगों को। अगर ये 720 क्रॉस करता है तो हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं, और हम लोग का टारगेट पहला 710 और फिर 700 के आसपास होना चाहिए, 4 से 5 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट रहेगा। ये थोड़े वॉलेटाइल स्टॉक होते हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक, तो मेक श्योर कीजिएगा कि क्वांटिटी हमेशा कम रखना, उतना रिक्स लेना जितना आपका 3 या 4 ट्रेड आप लोग प्लान कर पाओ। एंड सेकंड थिंग, हमेशा 722 मैंने आप लोगों को बताया, तो 726 के ऊपर अगर ओपन होता है यू नीड टू इग्नोर, एंड 719 के नीचे अगर ओपन होता है तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा ऊपर गैप अप गैप डाउन मतलब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड और मैच नहीं करेगा, आपका स्टॉप लॉस अलग हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर फ्लैट खुलता है तो अच्छे लेवल पे मिलता है तभी हम लोग प्लान करेंगे, दैट टू कम क्वांटिटी में। कल इंडेक्स में थोड़ा सा देखना, कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, भले 100 रुपए मिले लेकिन इजीली मिल जाए मॉर्निंग आवर में तो ही अच्छा है, दिन भर बैठे रहना और मार्केट में इस तरीके से वॉलेटिलिटी है क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली हिट कर चुका है, लेकिन क्लोजिंग बहुत डीप दे दिया है। अगर क्लोजिंग 200-150 इसी लेवल के आसपास दिया होता तो भी एक बाइंग के साइड हम लोग प्लान कर सकते हैं, कल डिपेंड करेगा ओपन कहां पे होता है उस हिसाब से मार्केट को हम लोग प्लान करेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।